So alright guys, here it is, the Pulsar F250 and अभी मैं इसको चलाने वाला हूँ. सो यार गाइज, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो बाइक है, मतलब पल्सर 220F के बदले मार्केट में आया है एंड 220F जो है वो डिसकन्टिन्यू हो गया है. सो 220F का ही फील दे रहा है ये बाइक. अगर आप इस बाइक को चलाएंगे तो मतलब एकदम सिटिंग पोस्चर वगैरह सेम टू सेम 220F जैसा ही है. एंड या गाइस, अभी इसको चलाते हैं एंड ऑन रोड कैसा है ये बाइक मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा. सो या अभी स्टार्ट करते हैं इसको. वाओ मैन, बाइक जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है गाइस. एंड मतलब क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा स्मूथ बजाज का बाइक भी हो सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था यार. एंड इसका जो मिरर है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था जहाँ तक मुझे लग रहा है. वाह, बाकी यार पिकअप वगैरह तो एकदम सही है, फटाक से पिकअप ले रहा है. एंड या गाइस, इसमें 5-speed गियरबॉक्स है, 6 gear रहता तो और भी अच्छा हो सकता था. सो या गाइस, इंजन के मामले में एकदम रिफाइंड इंजन है, मतलब स्मूथनेस से भरा हुआ है ये बाइक. सो क्लच भी है इसमें, स्लीपर क्लच है जो कि बहुत ही ज़्यादा एकदम स्मूथ है. एंड फिसलन वाला रोड है, आराम से चलाने वाला हूँ मैं क्योंकि मुझे गिरना नहीं यार. एंड या गाइस, इसमें चार्जिंग पोर्ट वगैरह मिल जाते हैं एंड सीटिंग कंफर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसमें, क्योंकि यार मतलब जो पल्सर 220F का सीट था वो काफ़ी हार्ड था एंड इसमें तो बहुत ही अच्छा सीट भी दिया हुआ है. सो सीटिंग कंफर्ट के मामले में एकदम 100 में से 100 दूंगा इसको. एंड जो 220F का ही फील दे रहा है इस बाइक को चलाने पर. सो सस्पेंशन वगैरह भी बहुत ही अच्छा है, आगे में टेलीस्कोपिक है एंड पीछे में मोनोशॉक है. तो गाइस, आगे में यार अपसाइड डाउन दे देता तो और भी अच्छा हो सकता था, क्योंकि मतलब अभी सारे बाइक्स में जो है अपसाइड डाउन फॉक्स आ रहा है एंड देखने में भी काफ़ी स्टाइलिश एंड काफ़ी कूल लगता है. एंड MT15 एंड R15 में तो आ ही रहा है. सेम कंसीडरिंग द प्राइसिंग, 160,000 या 170,000 में ये बाइक मिलता है. सो 160,000 से 170,000 में बाकी सारे बाइक्स, अभी हॉर्नेट में भी मतलब दिया जा रहा है अपसाइड डाउन फॉक्स. तो या मैन, मतलब बजाज को यार इम्प्रूव करना चाहिए यार, मतलब सिर्फ डोमिनार में दे के रखा है अपसाइड डाउन फॉक्स, तो इसमें भी देना चाहिए था. एक होता है ना, जैसे पिकअप लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, जैसे वैसा कुछ नहीं है. लाइक अभी मैं 2 नंबर में चल रहा हूँ, तो अभी मैं फोर्थ गियर में आराम से, मतलब 35-40 में आराम से चल सकता है ये बाइक. एंड जैसे है ना, मतलब इसका लो एंड जो है बहुत ही अच्छा है, टॉप एंड के लिए तो हाईवे जाना पड़ेगा, लंबा चौड़ा टॉप स्पीड मारना पड़ेगा. एंड टॉप स्पीड की बात करूँ तो मतलब बाकी सारे वीडियोस में मैंने देखा है 135 to 140 आराम से ये पहुँच जाएगा. सो हैंडलिंग काफ़ी सही है यार, मतलब क्या बोलो. एंड मिसिंग फीचर्स के बारे में बात करें तो यही था गाइस, इसका अपसाइड डाउन फॉक्स, स्विचेबल ABS होना चाहिए था, डुअल चैनल. अभी तो सारे बाइक्स में ही डुअल चैनल ABS है, स्विचेबल दो या ना दो लेकिन डुअल चैनल दो यार, मतलब. सो यहाँ पर एक डिसेंट सा विंडशील्ड है. एंड गियर शिफ्टिंग वगैरह एकदम बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है. सो जो ये स्लीपर क्लच है इसमें, सो स्लीपर क्लच का फ़ायदा ये है कि अगर आप हार्ड गियर शिफ्टिंग करते हैं तो मतलब आपका पीछे का जो टायर है वो स्लिप नहीं होगा. सो यही है स्लीपर क्लच का फंडा. एंड काफ़ी स्मूथ रहता है स्लीपर क्लच, जो कि एक उंगली से भी कंट्रोल हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं. पहुंच गए जोर बंगलो, मैं जाऊंगा दार्जिलिंग एंड इस बाइक को पहुंचाना है. सो थैंक्स समरदा जिन्होंने मुझे ये बाइक दिया रिव्यू के लिए. एंड सीटिंग कम्फर्ट की बात करूँ तो सीटिंग कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है इसका. सीट जो है मतलब एकदम मुलायम है इसका एंड अपराइट पोस्चर है, जैसा आपको पल्सर 220F में मिलता था वैसा ही है. टूर वगैरह आराम से निकाल सकते हैं इस बाइक को लेके. सो सबसे अच्छा इस बाइक में मुझे ये लगा कि इसमें मतलब जीरो वाइब्रेशन है. एंड जो पल्सर 220F था गाइस, उसमें तो वाइब्रेशन का एकदम भंडार था, जैसा कि मैंने बोला.
पूरा एकदम यहाँ पर कंपनी ने रबर वगैरह दे के रखा है अंदर में, एंड बिल्ड क्वालिटी जो है ना एकदम, मतलब क्या बोलो, बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है कंपनी ने। सो पल्सर 220F जो था वो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। बहुत जन का वो इमोशन था, जैसे कि मेरा भी था। मेरा खुद का घर में मैंने 3 बार मतलब 220F को ऑन किया था, अभी भी मेरे पास एक 220F है। सो एंड हैंडलिंग के बारे में बात करूँ तो मतलब हैंडलिंग क्या मस्त है गाइज इसका। सो गाइज और एक इस बाइक का खासियत ये है कि जैसा कि अभी लो बीम में है ये बाइक, जैसे स्टार्ट करेंगे तो ये बाइक का लो बीम जलता ही रहता है, बट क्या है कि आप इसके साथ में ही इसका हाई बीम भी यूज़ कर सकते हो, जो कि पल्सर 220F में ये फीचर मिसिंग था। पल्सर 220 में एक बार सिर्फ हाई बीम या लो बीम ही यूज़ कर सकते थे, बट इसमें क्या है कि आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, हाई बीम एंड लो बीम, जो कि बहुत ही अच्छा एक फीचर है मैं बोलूँगा। तो थोड़ा सा भगा के देखते हैं अभी, थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है। ओहो मैन, डाउन शिफ्ट एकदम हार्डेस्ट था अभी। ये लगाया मैंने डाउन शिफ्ट एंड काफ़ी स्मूथ डाउन शिफ्ट हो रहा है, हैंडलिंग काफ़ी स्मूथ है यार। सो हॉर्न जो है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता था, लेकिन क्या करें यार, अभी हॉर्न तो सारे के सारे बाइक्स में ही एकदम कम कर दिया गया है साउंड। वो ब्रेकिंग भी काफ़ी सही है, ब्रेकिंग एकदम मस्त है गाइज इसका। सो अगेन गाइज, इसमें क्रीमिका ब्रेक्स यूज़ किया गया है, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, बाइवेयर एंड क्रीमिका में। सो एक और बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इसमें रेडियल टायर आपको कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। सो अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह के शौकीन हैं तो इसमें रेडियल टायर आपको एक्स्ट्रा डलवाना पड़ेगा। सो जो NS200 है, NS200 से थोड़ा सा ज़्यादा पावर मुझे फील हो रहा है इसमें, एंड लो एंड तो बहुत ही बढ़िया है। टॉप एंड के लिए तो मैंने जैसे कि बोला हाईवे जाना पड़ेगा, सो अगर किसी दिन टाइम मिला तो इसका टॉप स्पीड भी निकालेंगे सिलीगुड़ी जाते समय। सो NS200 से काफ़ी मिलता जुलता है इसका एग्जॉस्ट साउंड, एंड डुअल मफलर है इसमें, सो साउंड सुन सकते हैं गाइस, काफ़ी बेस एकदम ज़्यादा है इसका साउंड का। सो या गाइस, ये सब कुछ था आज के इस वीडियो में, एंड या गाइस अगर आप लोगों को ये रिव्यू अच्छा लगा है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अगर कुछ छूट गया है तो आप सीधा गूगल कर सकते हैं, गूगल किस दिन काम आएगा यार। सो या गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड हार्ड, राइड सेफ एंड गो कूल, गो विद द फ्लो।